हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको हर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इसके साथ मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपको इसको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप उसे एक बार देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है महापुरुष के उपनाम और उनकी उपाधि और प्राप्तकर्ता एवं दाता। मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है तो उन कोई अच्छा काम करता है तो उसे कोई दूसरे नाम से लोग उसे बुलाना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से हमारे हमारे भारत में भी कुछ ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनके उपनाम हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कौन कौन से ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनको उपनाम उपाधि दी गई है, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें उपाधि दी गई है फ्रेंड्स। और इन्होंने कौन दिया है उपाधि उनके बारे में भी बताऊँगी फ्रेंड्स। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं आज। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है, एक साइड लिखा है उपाधि, दूसरे साइड लिखा है मैंने प्राप्तकर्ता, और तीसरी तरफ लिखा है दाता। यानी कि ये उपाधि है जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, निकनेम समझ लीजिए एक तरह से, और ये प्राप्तकर्ता है जिनको दिया गया है और जो जिन्होंने दिया है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पहला देखिए महात्मा। महात्मा किसे बोला जाता है? जैसे कि सब लोग, आप लोग जानते होंगे महात्मा गांधी को, लेकिन महात्मा गांधी को महात्मा किन्होंने बोला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से संबोधित किया फ्रेंड्स। उसी तरीके से राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जी को बोला जाता है, लेकिन ये महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पहली बार संबोधित किया फ्रेंड्स। फिर देखिए गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उपनाम है, और इन्हें ये उपनाम महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम की उपाधि दी। यानी पहली बार महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से संबोधित किया। फिर देखिए चौथा में नेताजी, नेताजी आप लोग सब जानते होंगे। नेताजी जैसे ही नाम आता है तो एकदम डायरेक्टली आप लोग के माइंड में एक ही चीज़ आता है, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को ठीक है नेताजी बोला गया, लेकिन इनका नाम कौन दिया गया, कौन सबसे पहले इस नाम से संबोधित किया? तो देखिए एडोल्फ हिटलर ने किया था, एडोल्फ हिटलर ने किया था सबसे पहले नेताजी, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को संबोधित। फिर देखिए फिफ्थ, फिफ्थ में देखिए सरदार, सरदार जैसे ही आता है तो ये भी आप लोग जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार के उपनाम से बोला जाता है, यानी वल्लभ भाई पटेल का उपनाम सरदार है। लेकिन ये इसे वल्लभ भाई पटेल को जो उपनाम सरदार दिया गया, ये कब दिया गया तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये बारदोली की महिलाएँ दी, लेकिन बारदोली की महिलाएँ आखिर इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों बोलने लगी? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला इसलिए गया कि जब बारदोली जो सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था, यह एक किसान आंदोलन था और इसके नेतृत्व, यानी कि इसके नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और जैसा कि किसान आंदोलन था तो इसमें जो वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया तो वहाँ के महिलाओं ने खुश होकर इन्हें सरदार बोलना शुरू कर दिया, तब से इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। आप इसके साथ एक फैक्ट ज़रूर लिख लीजिएगा कि 1928 में बारदोली की सत्याग्रह हुई थी फ्रेंड्स। अब देखिए देशरथ या अजात शत्रु, देशरथ या अजात शत्रु, तो देशरथ अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिए बोला गया। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देशरथ और अजात शत्रु बोला किसने? तो ये महात्मा गांधी जी ने इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपनाम देशरथ या अजात शत्रु से संबोधित किया फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कायदे आजम, कायदे आजम किनका उपनाम है? तो ये है मोहम्मद अली जिन्ना को। आप अच्छे तरीके से जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का विभाजन, विभाजन से आप समझ गए होंगे। अगर आपने मेरा टाइमलाइन देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कायदे आजम, कायदे आजम को मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम को उपनाम महात्मा गांधी ने दिया। यानी महात्मा गांधी ने पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से संबोधित किया फ्रेंड्स। अब देखिए देश नायक, देश नायक किसे बोला गया? तो सुभाष चंद्र बोस जी को बोला गया। लेकिन किन्हों ने दिया ये नाम? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से संबोधित किया फ्रेंड्स। अब देखिए विवेकानंद, विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद
नाम कब दिया और किन्होंने दिया, तो महाराजा खेतड़ी ने दिया। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, उसे एक जुड़ा हुआ फैक्ट बता देना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन भी कहा जाता है और 1963 में इनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन सर्वप्रथम शिकागो के सम्मेलन 1893 में जाने से पहले खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने इन्हें नरेंद्र नाथ दत्त को से स्वामी विवेकानंद के नाम से संबोधित कर दिया था। फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को आप जरूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। फ्रेंड्स, अब देखिए राजा के नाम से राजा राम मोहन राय को संबोधित किया जाता है, और किसने किया, अकबर द्वितीय ने किया था। फ्रेंड्स, राजा राम मोहन ने सती प्रथा पर बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि राजा राम मोहन ने बहुत ही ज़्यादा सती प्रथा पे जोड़ दिया। सती प्रथा हटाने के लिए राजा राम मोहन राय जी का नाम सबसे पहले आता है। फ्रेंड, और राजा राम मोहन जी का उपनाम राजा के नाम से है, और इन्हें दिया अकबर द्वितीय ने। फ्रेंड्स, ये तो हो गया मैंने अपना जो इम्पोर्टेंस महापुरुष थे उनके उपाधि और प्राप्तकर्ता और दाता के नाम बता दिए कि किनके नाम किनका उपनाम है और किन्होंने दिया। और मैं फ्रेंड्स इसके साथ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो पर बताने से पहले अब मैंने बताया था कि आपको मैं ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप एक फ़िल्म देखिए, इस फिल्म का नाम है संविधान, इस फिल्म का नाम है। आप यूट्यूब पर जाइए और जाने के बाद भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी आप उस पर सर्च करिए, आपको वो शायद 10 घंटे की एक फिल्म है। ये 10 घंटे फिल्म में आपको बहुत सारे जो पॉलिटी के जितने भी चीज़ हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड, जितने भी चीज़ है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, इस सारे नाम आपको यूं ही याद हो जाएंगे, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ये फिल्म का नाम है भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी। आप YouTube पे जाइए, सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। मुझे भी किसी ने बताया था, आज मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल मुझे ये सारे नाम इस फिल्म के अकॉर्डिंग आराम से याद हो गए थे कि मुझे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ा था। फ्रेंड्स, आप जाइए इस फिल्म को देखिए। इसके अलावा इस फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप पॉलिटिक्स में यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसके बहुत सारे अंग के बारे में आप जान जाएंगे। फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इस फिल्म का नाम आज आपको बता रही हूँ, आप चाहिए एक बार देखिए, आप एक ही एपिसोड देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, कि कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस फिल्म में हमारे भारतीय संविधान को बताया गया है। फ्रेंड्स, और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा देखने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको बताया है इससे आपका 1 से 2 नंबर आपके एग्जामिनेशन में फिक्स है। फ्रेंड्स, आप जरूर इस फिल्म को देखिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, जाइए इस फिल्म को देखिए और अपने जो ये महापुरुष के उपनाम उपाधि है आपको यूं ही सीक्वेंस में याद हो जाएगा, और बहुत सारे चीज़ जो हमारे संविधान से रिलेटेड है इस फिल्म में बताए गए हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा अपने संविधान के करीब आपको ला देगा। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं कल नए टॉपिक नए जोश के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन रेडी रख तैयार करिए, 67 के बीपीएससी के नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स।